वेलकम बैक टू सी प्रोग्रामिंग कोर्स। मैं हूं नाजिम अलवी और अपनी आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा एक बेसिक सा टू नंबर्स के एडिशन का प्रोग्राम, और जिसके थ्रू हम समझेंगे कि जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी प्रोग्राम को करने के लिए वो क्या क्या होती हैं और उनको हम किस तरह से फिर यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो सी प्लस प्लस अपना जो कंपाइलर है उसको स्टार्ट करते हैं। ओके, ये स्टार्ट हो चुका है और एक न्यू फाइल इसके अंदर हम बना लेते हैं, और इस न्यू फाइल का नाम सपोज हम रख लेते हैं, सेव कर लें पहले इसको, और इसका नाम रख लेते हैं सपोज हम addition.c। ये हमारी फाइल बन गई। दो हेडर फाइल हम यूज करेंगे इसके अंदर, जो मैं अपने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था, stdio.h और एक इंक्लूड करेंगे हम conio.h। stdio मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, और ये हमारी है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। उसके बाद हमको ये देखना है कि हमारा काम क्या है। सपोज हम प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, और प्रोग्राम है हमारा प्रोग्राम फॉर द एडिशन ऑफ नंबर्स, ठीक है। मैंने अपनी आसानी के लिए लिख दिया ताकि हमको ये पता चले कि प्रोग्राम एक्चुअली है किस लिए। यहाँ मैंने क्या किया है, दो बैक स्लैश लगाए हैं। इसका मतलब क्या है, मैंने इस स्टेटमेंट को कमेंट बना दिया है। अगर मैं इनको यहाँ से रिमूव करता हूँ तो ये कमेंट खत्म हो जाएंगे, प्रोग्राम का पार्ट हो जाएगा और कंपाइलर इसको चेक करेगा और हमको एरर मिलेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा कोई भी हमारा जो है ये सिंटेक्स नहीं है कोई भी, ठीक है। तो सिंटेक्स एरर आना है, तो इसको हमने पूरे को क्या किया, कमेंट बना दिया। कमेंट बनाने का मतलब क्या है कि जो भी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन या पर्टिकुलर पोर्शन हमारे प्रोग्राम का कमेंट बन जाएगा और उसको कंपाइलर चेक नहीं करता है, ठीक है। नीचे आते हैं, void main, ये main function हमने use किया, ये इसकी body थी, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी body के अंदर एक apps के through space देंगे थोड़ा, और यहाँ हम अब लिखेंगे। अब हमें काम क्या करना है, हमें दो नंबर को add करना है। जब दो नंबर को add करना है तो जाहिर सी बात है हमारे पास memory के अंदर दो ऐसी locations होनी चाहिए जो दो नंबर को hold कर सकें। तो सबसे पहले हमें उसका type बताना पड़ेगा। मान लीजिए integer type की हमारी लोकेशन है, हम लोकेशन क्रिएट कर रहे हैं, इंटीजर टाइप की वैल्यू को होल्ड करेंगे और उन लोकेशन का नाम मान लीजिए हम नम वन एंड नम टू रख लेते हैं, ठीक है। नम वन के अंदर मान लीजिए हम स्टोर करा रहे हैं 30, और नम टू के अंदर स्टोर करा देते हैं हम मान लीजिए 50, ठीक है। और एक वेरिएबल हम और डिक्लेयर करेंगे यहाँ पर रिजल्ट के लिए, मान लीजिए हमने आरएस नाम का कर लिया, जिसके अंदर हम इन दोनों नंबर के यानी कि नम वन और नम टू के सम को स्टोर करेंगे। उसके बाद हमको करना क्या है, ये जो आरएस है इसके अंदर स्टोर करा देना है नम वन प्लस नम टू दोनों का रिजल्ट, और उसके बाद क्या करना है, इस रिजल्ट को प्रिंट करा लेना है प्रिंट एफ, और यहाँ पर स्पेसिफायर हमको डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो जिसे हमें प्रिंट कराना है आरएस को, ये इंटीजर टाइप का ये भी, तो यहाँ पर हमें इंटीजर टाइप के लिए स्पेसिफायर यूज करना पड़ेगा डी। तो परसेंटेज डी हम लिखते हैं इंटीजर के लिए, वहीं अगर हमारे फ्लोट वैल्यू होती तो फिर हम लिखते हैं परसेंटेज एफ, और कैरेक्टर वैल्यू होती तो हम लिखते हैं परसेंटेज सी। ओके, यहाँ कॉमे के साथ इसको सेपरेट करेंगे और इस वेरिएबल को यहाँ पर पास कर देंगे जो वेरिएबल है, ओके। और उसके बाद यहाँ पर हम लगा देंगे गेट सी एच स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, और इसको F2 से सेव किया मैंने, और सेव करने के बाद यहां से हम क्या कर लेते हैं इसको, ठीक है, ये रन हुआ और हमको आउटपुट कितना मिला, हम चाह रहे हैं कि इसके पीछे यहाँ पर यानी जो रिजल्ट प्रिंट हो रहा है उस रिजल्ट से पहले कुछ मैसेज भी आ जाए लिखा हुआ, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर सम इज इक्वल टू, ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। अगेन हम इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं और फिर रन कर लेते हैं, ठीक है। हमको नजर आ रहा है sum is equal to 80, और ये जो sum से पहले जो 80 नजर आ रहा है ये हमारा जो है वो पहले वाला आउटपुट है, पहले वाला डिस्प्ले है, इसको खत्म करना है। तो सिंपली हमको करना क्या होगा, यहां स्टार्टिंग में इस डिक्लेरेशन के बाद
रिस्क में लगा देना, क्लियर स्क्रीन। और अगेन सेव किया, और उसके बाद रन कर दीजिए आप, तो आपको सिर्फ और सिर्फ करंट जो रिजल्ट है वो नजर आएगा। अब इस प्रोग्राम के फ्लो को समझिएगा, एक्चुअली ये प्रोग्राम हमारा काम किस तरह से कर रहा है, ठीक है। मेन चीज ये समझने की है, जस्ट ए मिनट। ये हमारा प्रोग्राम है, इसको कैंसिल कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है। और यहाँ हम इस प्रोग्राम के फ्लो को समझते हैं, ठीक। सबसे पहला काम क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए जरा इसमें। सबसे पहला काम क्या हुआ है कि हमने यहाँ पे डिक्लेरेशन किया है 3 वेरिएबल का। तो सबसे पहले हमारी मेमोरी के अंदर 3 लोकेशंस क्रिएट होंगी। एक लोकेशन हमारी बनेगी किस नाम से, नम1 के नाम से, नम1, ठीक है। ये इंटीजर टाइप की लोकेशन होगी, और इसके अंदर हमने होल्ड कितना किया है, 30, तो 30 इसके अंदर जाकर असाइन हो गया, ठीक। दूसरी लोकेशन क्रिएट होगी, इसका नाम है num2, ओके। ये भी इंटीजर टाइप की है, और इसके अंदर क्या असाइन किया हमने, 50। और थर्ड लोकेशन हमारी क्रिएट हो रही है, वो है हमारे res के नाम से, और ये भी कैसी है, इंटीजर टाइप की है, ठीक है। ये भी इंटीजर टाइप की है और इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है। उसके बाद कैलकुलेशन हो रहा है num1 और num2 का, यानी 30 प्लस 50, और ये असाइन हो रहा है रिजल्ट को, यानी कैलकुलेशन के बाद यहाँ पर असाइन हो गया 80। और फिर इस वैल्यू को हम क्या करा रहे हैं, डिस्प्ले करा रहे हैं यहाँ पर। ये सिंपल सा प्रोग्राम है, ठीक है। तो आई होप कि आपकी बात इतनी समझ में आई होगी। अब हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को यूजर डिफाइंड बनाने की कोशिश करते हैं। तो यूजर डिफाइंड बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इसका। यहाँ जो हमने वैल्यूज असाइन की हैं, इन वैल्यूज को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे यहाँ से। जस्ट इन क्या प्रॉब्लम हो रही है बीच में, जस्ट इन, तो यहाँ पर num1 हमने रिमूव कर दिया, और num1 में कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, कॉमा num2 इसमें भी कोई वैल्यू नहीं, और res में कोई वैल्यू नहीं, ठीक। ये दोनों 3 वेरिएबल हमारे पास हैं, और वैल्यू किसी में अभी हमने अभी तक इनपुट नहीं किया। अब यहाँ से हम यूजर से लेना है, तो एक मैसेज दे सकते हैं हम, प्रिंटर, और यह मैसेज टाइप कर दें, एंटर सम वैल्यूज, या हम एक काम ऐसा कर सकते हैं, एंटर फर्स्ट नंबर, ये ज्यादा सही रहेगा। और उसके बाद हम फंक्शन यूज करेंगे स्कैनएफ, इसका काम क्या होगा कि ये इनपुट लेगा यूजर से परसेंटेज डी, क्योंकि हम इंटीजर टाइप की वैल्यू दे रहे हैं तो स्पेसिफायर बताना पड़ेगा, कॉमा। अब ये जो वैल्यू है ये हमें कहाँ स्टोर करानी है, इस लोकेशन पर जो ये num1 है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर इसका एड्रेस डिफाइन करेंगे, एड्रेस ऑफ num1, ठीक है। उसी तरह से दूसरा हम लिखेंगे प्रिंटफ, एंटर सेकंड नंबर, और यहां पर हम लिखेंगे स्कैनएफ, ये भी हमारे इंटीजर टाइप का, तो स्पेसिफाई परसेंटेज डी, कॉमा, एड्रेस ऑफ num2, और बाकी का काम हमारा एज इट इज रहेगा, कैलकुलेशन यही रहेगा सेम, ठीक है। सेम कैलकुलेशन है, सब कुछ सेम है बिल्कुल। और बस हमने करा क्या है कि अब जो वैल्यूज हम यहाँ पर पहले से डिफाइन कर रहे थे, उन वैल्यूज को हमने अब यूजर से ले लिया है, ठीक है। ये जो ऑपरेटर है इसको हम बोलते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, मींस ये क्या कर रहा है कि ये डिफाइन कर रहा है कि हमें वैल्यू कहाँ पहुंचानी है, एट द एड्रेस ऑफ num1, ऐसे यहाँ पे क्या, एट द एड्रेस ऑफ num, ठीक
दोनों वैल्यूज वहां पर चली गई स्कैनफ के थ्रू और इनका कैलकुलेशन हो गया, यहाँ स्टोर हो गया और इसको हमने यहाँ प्रिंट कर लिया। रन करके देखते हैं, एक एरर आ रहा है हमारा एक्सप्रेशन सिंटैक्स। ओके, ये पहले का रिमूव नहीं हुआ है, साइड में जो आ गया था इसकी वजह से ये आ रहा है, इसको रिमूव कर दो और वहीं पहुंचो स्टार्टिंग में। अब ठीक है, और ये Ctrl F9। ओके, रन पे जाइए, एंटर फर्स्ट नंबर सपोज मैंने डाला 67, एंटर सेकंड नंबर 34 और ये मुझको सम मिल रहा है 101। ठीक है, बिल्कुल सही प्रोग्राम चल रहा है, ये बिल्कुल बेसिक सा हमारे एक प्रोग्राम है 2 नंबर्स के एडिशन का। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ नए टॉपिक के साथ, नई चीजों के साथ। तब तक के लिए ठीक है, बाय बाय। Thank you.